वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है आधा किलो सूजी, आधा किलो शक्कर, जितनी सूजी उतना ही शक्कर, 10 से 15 काजू बादाम, आधा कप मावा। क्वांटिटी के हिसाब से देखिए तो ये 250 ग्राम है। चलिए हम अपनी सूजी को सबसे पहले भून लेंगे। हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इसमें अब डालेंगे 2 छोटी इलायची, 2 लौंग। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी सूजी, इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। हमने अपनी सारी सूजी को डाल दिया है, अब हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे 6 से 7 मिनट तक। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाएंगे। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर आप सूजी बिना भुने उसका हलवा बनाएंगे तो हलवे में वो टेस्ट नहीं आता है। सिर्फ 6 से 7 मिनट लगा और हमारी सूजी देखिए एकदम अच्छे से भुन गई है, उसका कलर भी कुछ चेंज हो गया है। अब हमने अपनी वही कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालें 2 चम्मच घी और अपना बारीक काजू बादाम कटा हुआ। इसे ऐसे कंटिन्यू चलाते रहें, 1 से 2 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे अपने शक्कर। हमने डाला है 1 कप पानी, आधा किलो शक्कर था इसलिए हमने 1 कप पानी डाला है। हम इसे 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है, हमारी चाशनी कुछ रेडी हो गई है। इसमें तार नहीं आ रहा है, हम दोनों हाथ से टच कर रहे हैं तो बस हल्का से चिपक रहा है। बस हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सूजी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अपनी सूजी डाल दी है, अब हम इसे चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने चलाया है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से अपना मावा। याद रखिए सूजी डालने के बाद, हम मिक्स करने के बाद फौरन हम अपना मावा डालेंगे, वरना हमारा हलवा ड्राई हो जाएगा तो मावा सही से मिक्स नहीं होता है। ये देखिए कुछ ड्राई हो गया है, हम इसे थोड़ा और ड्राई करेंगे। मावा डालने पर ये सूजी के हलवे में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। देखिए ये सब ड्राई हो गया है। अब हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमने लिया एक ट्रे, इसमें डाला है 1 चम्मच घी और इसे हम हाथ की मदद से ग्रीस कर देंगे ताकि हमें हलवा निकालने में आसानी हो। चलिए अब हम इसमें अपना हलवा डालना स्टार्ट करेंगे और इसे फैला देंगे। हमने अपने ट्रे में चारों तरफ से ऐसे हलवे को फैला देंगे। ये देखिए हमने फैला दिया है, इसे हम चम्मच की मदद से ऊपर से प्रेस करेंगे और अब हम इसे साइड साइड से शेप दे देंगे। ये देखिए हमने साइड साइड से शेप दे दिया है। अब हम इसमें काजू बादाम ऊपर से गार्निश करेंगे। इसे हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि काजू बादाम इसमें चिपक जाए, वरना हम कटिंग करने लगेंगे तो काजू बादाम निकलने लगते हैं। चलिए अब हम कट करना स्टार्ट करते हैं। इसे हम छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेंगे। हमारा हलवा एकदम रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये हलवे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।